ये पुलिस फोर्स के लोग आपके सामने आएंगे, ये उन्हीं के इशारे पे काम करेंगे। ये लड़ाई लंबी चलेगी, ये इसको रोकने का काम करेंगे, डराने का काम करेंगे। एसकेएम को तोड़ने का जो किसान संयुक्त मोर्चा है, जब दिल्ली गाजीपुर से गए तो अकेला मोर्चा गया था जीत के। पंजाब में तीन मोर्चे बढ़ाए उसके, एक ये आंदोलन है जो आंदोलन कर रहे हैं, ये भी एक मोर्चा है। ये एसकेएम की कॉल लाइन थी, ये किसान ने कॉल दी, वहां पे झगड़े हुए और हमको उनके साथ में जाना पड़ा। आज भी एसकेएम की उनकी कोई बातचीत नहीं हुई। जो किसान संयुक्त मोर्चा है उसकी कॉल अलग है, लेकिन हम उन किसानों के साथ में अगर अत्याचार होगा, आज उनके साथ में, कल हमारे साथ में होगा, परसों तुम्हारे साथ होगा। मुद्दे सबके एक है, उन्हीं की कमेटी सरकार से बातचीत करे, जो भी उनका फैसला होगा वो बातचीत करे, लेकिन सरकार डराने का काम करेगी तो ये किसान डरेगा नहीं। पूरा हरियाणा, पूरा देश इस पंचायत की तरफ आज देख रहा है। पूरी कमेटी ने निर्णय लिया कि 21 तारीख को, 21 फरवरी को जिला मुख्यालय पर ना कोई काम होगा, ट्रैक्टर से मार्च होगा, वहां पर प्रदर्शन करेंगे एक दिन का। ट्रैक्टर से जाएंगे, उसके बाद में हमारा है 26-27 तारीख का, दो दिन का, ये एसकेएम को हम देंगे कि हमारे ट्रैक्टर हाईवे पर होंगे, जो दिल्ली की तरफ हाईवे जाता है, हमारे ट्रैक्टर हरिद्वार से लगा के और गाजीपुर बॉर्डर तक, जहां तक भी गाजियाबाद का बॉर्डर लगेगा वहां तक खड़े होंगे। हर जिले के तहसील ब्लॉक के लोग अपने ट्रैक्टर को लेकर सड़क पर खड़े होंगे, एक तरफ का हाईवे चलता रहेगा, आने वाले लोग उनको देखते रहे। हम दिल्ली जाएंगे नहीं, लेकिन हाईवे पे अपने ट्रैक्टर खड़े करेंगे। सरकार के पास में भी टाइम है, उनसे समझौता कर लो उस कमेटी से। आप पाटतोड़ करने की बात करते हैं, ये किसान शहीद होने की बात करेगा। जमीन बचानी है तो आंदोलन करना पड़ेगा। देश की जब आजादी की लड़ाई हुई तो 90 वर्ष आंदोलन चला। अगर आप डरे तो ये सीधा जो आज पंजाब बॉर्डर पर हुआ है, कल इस गांव के बॉर्डर पे होगा। आपने भी देखा है 2008 में जब सरकार हमला करती है तो सीधी गांव पे भी हमला करती है। जिंदा रहना है तो आंदोलन करने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री हरियाणा का कहता है कि ट्रैक्टर नहीं चलेगा, ये तुम्हारी छाती पे ट्रैक्टर ही चलेगा। अपने ट्रैक्टर को मजबूत रखना, हम 21 तारीख में भी दिखाएंगे और 26 और 27 तारीख की रात में भी दिखाएंगे। ट्रैक्टर हाईवे पर रहेगा, हम एसकेएम को, जो किसान संयुक्त मोर्चा है, हम उसको बताएंगे कि यहाँ की पंचायत में ये निर्णय हुआ, अगर वे सहमति देंगे पूरे देश में ट्रैक्टर आंदोलन की, दो दिन की दिल्ली की तरफ को हाईवे पे खड़े करने की, तो 21 तारीख तक हमको बता दें, हम अपनी इलाके की तैयारी करेंगे दो दिन की। अभी यहाँ पे इस पंचायत का फैसला है कि हम 21 तारीख को ट्रैक्टर के साथ में, गाड़ियों के साथ में बड़े प्रोग्राम एक दिन के कलेक्ट्रेट पे करेंगे, हरियाणा के समर्थन में करेंगे। जो एमएसपी गारंटी कानून है उसके समर्थन में करेंगे, क्योंकि अभी एक प्रचार चला जा रहा मीडिया के माध्यम से कि किसान एमएसपी मांग रहा है तो महंगाई बढ़ेगी, एक रूमर फैलाई जा रही है, आपको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। आपको बहुत मुकाबला इन लोगों से करना पड़ेगा। यहां पे भी बहुत से लोग टूट टूट के सरकारों के साथ में जाके मिलेंगे। आंदोलन में आप हमारे साथ रहो, पॉलिटिकल पार्टी में आपको कहां जाना उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। और जिसको यह है कि हम आंदोलन में भी नहीं रहेंगे और हम सरकारों के साथ में जाएंगे, अगर सरकार की बातों से सहमत हो
तो 10 साल पुराना ट्रैक्टर जनरेटर पंपिंग सेट अपना खड़ा करो, सरकार की बात मानो, इन किसानों को धोखा देने का काम ना करो। एक आदमी नहीं है कि अपना ट्रैक्टर टूटवा दे। ये लड़ाई पूंजीपतियों के खिलाफ ये लड़ाई है। 10 साल में गाड़ी का कुछ बिगड़ता है, 10 साल में ट्रैक्टर का कुछ बिगड़ता है। अगर ये पूंजीपति हावी होंगे, इनका मकसद है कि 2047